आजादी के 75 साल पूरे होने पर आरएसएस द्वारा मनाए जा रहे अमृत महोत्सव में वंदे मातरम की गूंज सुनाई दी। बाराबंकी के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में भारी संख्या में स्कूली बच्चों ने सामूहिक वंदे मातरम का गायन और भारत माता के जयकारे लगाए। बच्चों के द्वारा प्रस्तुति की गई सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह प्रांत प्रचारक मनोज कुमार ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि आज का कार्यक्रम उन बलिदानों के प्रति वास्तव में एक बड़ा सम्मान है जिन बलिदानियों के कारण हम ये दिन देख रहे हैं। महोत्सव का उद्देश्य जो हमारे जाने अनजाने लाखों लाख क्रांतिवीरों ने, वीर वीरांगनाओं ने जो देश के लिए समर्पण दिया है, कोई चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, मुशफ़ाकुल्लाह खान, नाम प्रसाद मंत्री, राजगुरु सुखदेव, लाल बाल बाल, कोई पंडित मदन मोहन मालवीय, राजा सिंह पुरुषोत्तम टंडन, सुभाष चंद्र बोस, अनेक अनेक लोग जिनको हम जानते हैं, परंतु लाखों ऐसे लोग हैं जिनको हम नहीं जानते, जो जलियांवाला बाग में 10,000 लोगों शहीद हुआ, सुभाष चंद्र बोस के 28,000 सेना का जो शहीदी हुई, ऐसे अनेक लोग जो गांव-गांव के अंदर अंग्रेजों के द्वारा अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार के द्वारा इस देश को अत्याचार का कष्ट सहना पड़ा और उसके आधार पर देश का बंटवारा और बंटवारे के आधार पर इस देश को जो आज़ादी मिली, उस आज़ादी को नमन सपूतों को याद करने का उद्देश्य है अमृत महोत्सव। और दूसरा, भारत वास्तव में तब पूर्ण होगा जब जो 1857 में लक्ष्मीबाई तात्या टोपे, मंगल पांडे जैसे क्रांतिवीरों ने जो अपनी कुर्बानी दिया, और उस कुर्बानी को जिस दिन हम उस भारत को पालेंगे जो गांधार है, अफगानिस्तान है, जो तिब्बत है, मानसरोवर है, ढाका का ढाकेश्वरी है, भूटान बर्मा माम्यार है, नेपाल है, ये भारत का जो अखंड भारत है, ऐसे अखंड भारत की कल्पना, स्वप्न भारत के प्रत्येक नर नारी बालों के मन में होना चाहिए ताकि हम अखंड भारत निर्माण कर सके, ये उद्देश्य ये पूरा अमृत महोत्सव का है। इस मौके पर विशाल मंच पर भारत माता का चित्र राष्ट्रीयता से जुड़े कार्यक्रम का बोध करा रही थी। हजारों की भीड़ में जबरदस्त उत्साह दिखा। हाथों में तिरंगा लहराते बच्चों के बीच वक्ताओं ने वीर शहीदों की दास्तान का बयान किया। समारोह में शिरकत करने के लिए विभिन्न विद्यालयों से हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं पहुंचे। खुले मैदान में हुए कार्यक्रम स्थल को अमृत महोत्सव जिला समिति के सदस्यों ने स्वाधीनता आंदोलन के महापुरुषों के चित्र से भव्य सजाया था, जो आजादी के महत्व को दर्शा रही। पंजाब केसरी टीवी के लिए बाराबंकी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।